चाहिए पनीर 200 ग्राम्स, मटर, धनिया पाउडर, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर और कड़ी पत्ता। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे इसे पकाने के लिए। जिसके लिए हम 5 मिनट उसे धीमी गैस पे रख देंगे। अभी हम गैस बंद करके इसे 5 मिनट ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी एक पैन लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चने का आटा। हम इसको सॉटे करेंगे और इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। और जो हमने मसाला पीस के रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। चारों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये हमारी ग्रेवी बन रही है। अच्छे से हमें इसे मिक्स करते ही रहना है। अभी हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। अभी ये मसाला बन चुका है। अभी हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और पनीर क्यूब्स ऐड कर देंगे। हमने इसमें फ्रोज़न मटर ऐड किया है और हम कस्तूरी मेथी से ड्रेसिंग कर देंगे। अभी इसे कवर करके रख दीजिए 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए।